मैं कौन हूँ? भीरू मामा। भीरू मामा, भीरू मामा को लाइक करो। ये है मेरे भीरू मामा। आई एम हर भीरू मामा। क्या बोलते भीरू, सही है ना? सही है कि नहीं? हाँ सही है। सही है। एक दो दिन से लगातार ऐसा हो रहा है कि सुबह सुबह काम चल रहा है और सुबह सुबह काम चलने के चक्कर में मुझे नींद नहीं आती। क्या किया जाए? चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं माहौल तरीके से। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जैकी ये बंदे का नाम। वेलकम टू अवर चैनल इंसेंट जैकी। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया? मेरी माने तो सब सही है ब्रो। अभी क्या हुआ ना कि सुबह सुबह जब मैं उठा, लेट ही उठा मैं एक्चुअली, और ये जो खर खर की आवाज थी इसने मुझे उठा दिया। और सुबह उठने के बाद अभी मम्मी ने कहा है कि जाओ गेहूं पिसा के लाओ। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। सफाई तो नहीं लेकिन शॉपिंग तो करना ही पड़ता है घर के लिए। तो चलिए अब जा रहे हैं हम गेहूं पिसाने। आटा लेके आएंगे, दिन की शुरुआत काम से हुई है तो मजा आ रहा है। तो चलिए एंजॉय करते हैं, गाड़ी निकालते हैं, क्या कहते हैं? गाड़ी निकल के सबसे पहले चलते हैं, ठीक है? लेट्स गो। हाँ तो भैया, आई एम वेटिंग फॉर माय आटा। आटा पिस रहा है, आटा नहीं एक्चुअली गेहूं पिस रहा है। तो आटा अभी बनेगा, आटा बनेगा तो मैं लेके जाऊंगा। और काफी लंबी लाइन है, काफी लंबी लाइन है। आटा शायद हो गया है। ये हो गया हमारा गेहूं पीस के, अभी चलते हैं घर पे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, डेली व्लॉगिंग क्यों, व्हाई डेली व्लॉगिंग। मैं डेली व्लॉग क्यों बनाता हूँ, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे मोटिवेट करती है डेली व्लॉग बनाने के लिए। बहुत आवाज है यार, क्या करूं मैं इसका। दूसरी जगह चलते हैं, तो एक अच्छी जगह जाके बैठते हैं और बताता हूँ कि why I do daily vlog। नाम बताओ। कौनेन। कौनेन, हाय बोलो। ओके, सो डेली व्लॉग करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा मोटो है कि मुझे मेरी लाइफ को अमर बनाना। अगर आज से 60 साल बाद भी अपने आप को देखूं तो मेरे को पता चलना चाहिए कि यार मैं 60 साल पहले कैसा था। तो इसलिए मैं डेली व्लॉग करता हूं और उसे यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। दूसरा रीजन डेली व्लॉग बनाने का कि रोज वीडियो बना के, रोज एक मूवी बना के मैं अपने आप को परफेक्ट कर रहा हूं ताकि मैं आगे मूवी मेकिंग कर सकूं। और तीसरा रीजन डेली व्लॉग बना के आपको एंटरटेन करता हूं, मेरे लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको बताता हूं। और ये करके ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। आगे चल के अगर मेरे पोते होंगे तो बोलेंगे दादाजी इतने कूल थे। अरे भाई कूल थे दादाजी एकदम, स्केटबोर्डिंग करते हुए। क्या बोलते हैं? तो कल जिसे आपने देखा था ध्रुव, उसने अभी स्केटबोर्ड ले लिया है और वो स्केटबोर्डिंग कर रहा है। अच्छा लगता है लोग अपने वजह से जब मोटिवेट होते हैं। तो डेली व्लॉगिंग करने का एक और रीज़न ये है कि वीडियोस बना के लोगों को अच्छे चीज़ों के लिए मोटिवेट करना, अच्छे चीज़ों के लिए प्रेरित करना, ताकि लोगों को अच्छी आदतें लगे। अब जिस तरह से मैं स्केटिंग करता हूँ, स्केटबोर्डिंग करता हूँ, बच्चे थोड़े से आ रहे हैं अभी स्केटबोर्डिंग कर रहे हैं, अच्छा लगता है। सो ये सब चीज़ों की वजह से मैं डेली व्लॉग करता हूँ। और फिल्म बनाना अपने आप के ऊपर, इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम अकेले खेलती हो कौन? क्यों? मेरा भाई भी आता। फ्रेंड्स नहीं है तुम्हारे? है। क्या नाम है? याद नहीं आ रहा। मेरा भी एक स्कूटर आने वाला है जो लॉकडाउन चले जाएगा। फिर तुम चलाओगी स्कूटर? हाँ, बाहर आके। तो तुम मेरे साथ चलाओगी? हाँ। मैं कौन हूँ? भीरू मामा। भीरू मामा, भीरू मामा को लाइक करो। ये है मेरे भीरू मामा। आई एम हर भीरू मामा। क्या बोलते भीरू, सही है ना? सही है कि नहीं? हाँ सही है। डेली व्लॉगिंग का एक और फायदा है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी फ्रेंडशिप हो जाती है ना। हमारी फ्रेंडशिप हो गई ना अभी। हाँ, तो मैं हूँ कोनू दीदी का भीरू मामा। कौन हूँ? भीरू मामा। भीरू मामा, तो भीरू मामा और कोनू दीदी हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग मस्ती कर रहे हैं और बहुत सारी मस्ती करेंगे, है ना? यो यो यो। लॉकडाउन नहीं था ना, नानी रात में हर रोज आती थी
मेरे को और मेरे बड़े भाई को लेके जुम्बा करने और मैं करती थी ऊपर स्टेज पे। क्या बात कर रही हो? और मैम भी थी, एक जुम्बा कराने वाली मैम। फिर यहाँ पे पुलिस आएगा तो इतना बड़ा बहुत बड़ा गन गोली मार देना, पर मैं ऐसे गोली पकड़ लेता हूँ। गोली पकड़? हाँ। आप क्यों नहीं गोली लेके आते? मैंने गोली घर पे रखा है। एक और चीज़ है जिससे मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ, और डेली व्लॉगिंग इसलिए करता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके दोस्त को हमेशा पता चलता है, आपके लव वन को, आपके फैमिली को हमेशा पता चलता है आप कहाँ पे हो, आप क्या कर रहे हो, इसलिए डेली व्लॉगिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ रीज़न है जिसके वजह से मैं डेली व्लॉग करता हूँ, और डेली व्लॉग बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, आपको एक स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मेरी लाइफ की एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये स्टोरी मैं शेयर करता रहूँगा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए, इनसेन जैकी, और अगर मेरा कॉन्टेंट आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, और तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको मेरे पुराने व्लॉग्स देखने हैं, वो भी एकदम अमेजिंग है, कल का व्लॉग जो डाला वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, तब तक अडियोस अमिगोस, लाइफ में कुछ भी हो जाए दिल पे याद रखना कहने का, सब सही है ब्रो, बाय बाय।